नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए मुस्लिम वोट बैंक कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है, ये हर कोई जानता है। ऐसे में मोदी जी सदन में जो बिल लेके आए हैं, जिसके खिलाफ एनडीए में भयंकर बगावत शुरू हो गई है। सदन में ही देखा गया कि बीजेपी सरकार के खिलाफ एनडीए के घटक दल नजर आ रही थी। मोदी सरकार ने सदन में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाते ही किस तरह से नायडू और नीतीश ने इस बिल से किनारा कर लिया है और मोदी को बड़ा झटका दे दिया है। वीडियो में आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि कैसे मोदी के लाए गए बिल नायडू और नीतीश को एनडीए छोड़ने पर मजबूर भी कर सकता है, और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी पर, उल्टा अगर कहें तो नरेंद्र मोदी पर भयंकर दबाव भी ये दोनों बना सकते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों आखिर तक देखिएगा। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों ये तो तस्वीर देखिए, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू टोपी पहनकर। बिहार में कुल मुस्लिम वोट बैंक जो है वो 17.70% है। नीतीश कुमार जिन्हें साधते हैं, आंध्र प्रदेश में करीब 10% मुस्लिम वोटर्स हैं, जिसे नायडू साधते हैं। ऐसे में एनडीए के दोनों दलों के लिए मुस्लिम वोट बैंक जो है काफी मायने रखते हैं, और ये मुस्लिम वोट बैंक उन्हें वोट भी करते हैं। दोस्तों देश की इस परिस्थिति में जब महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट हर जगह है, ऐसे में देश की इस परिस्थिति में वक्फ बोर्ड के मामले को छेड़कर मोदी सरकार ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। इस खबर को जरा देखिए, वक्फ बोर्ड एक्ट संशोधन बिल पर मोदी सरकार को नीतीश की पार्टी की खुली चेतावनी, विधेयक लाने से पहले सोचने की नसीहत। हिंदुस्तान की इस रिपोर्ट पर गौर करें, वक्फ बोर्ड बिल पर सियासत तेज, जेडीयू के मुस्लिम नेताओं ने जताया विरोध। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने दोस्तों क्या बताया था, मैं आपको फिर याद दिला देती हूं। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने इस मुद्दे पर कहा था कि बिहार जैसे राज्य में वक्फ बोर्ड की संपत्ति का दो आधार होता है। एक आधार होता है कि लोग अपनी संपत्ति को दान में देते हैं, जबकि दूसरा धार्मिक आधार होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति के पूरे अवलोकन की जिम्मेदारी टैक्स विभाग को, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों को दिया है। उन्होंने आगे बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए बिहार सरकार मल्टीपर्पज बिल्डिंग बना रही है, जिसमें छात्रावास होंगे, मार्केट होंगे, ये पूरी तरीके से आम लोगों की सुख सुविधाओं के लिए होगा। ऐसे में वक्फ अधिनियम लाना सरकार को जो है इस पर सोचने की जरूरत है, या जेडीयू के नेताओं ने साफ साफ, यानी नीतीश के नेताओं ने साफ साफ जो है कह दिया है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू का वो मैनिफेस्टो तो आपको याद होगा ना, जहां मुसलमानों के लिए आरक्षण से लेकर के 10 वादों को चुनाव जीतने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने पूरा किया है। अब ऐसे में सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी के तौर पर वक्फ संशोधन बिल को क्या सदन में समर्थन करेंगे चंद्रबाबू नायडू के सांसद? कुल दोस्तों 28 सांसद हैं, जेडीयू के 12 और टीडीपी के 16, यानी नीतीश कुमार के 12 सांसद हैं और 16 सांसद टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की तरफ से हैं। ये 28 सांसद क्या सदन में वक्फ संशोधन जो कानून या बिल सरकार पेश करी है, क्या उसका समर्थन करेंगे? क्योंकि इनका समर्थन मतलब सीधा सीधा जो उनका वोट बैंक है उसे खत्म करने की कोशिश एक तरह से। दोस्तों इन सांसदों का अब कह सकते हैं जो कुल 28 सांसद हैं, अच्छा खासा मुस्लिम वोट बैंक है इनके पास, उनके लिए इस बिल के पक्ष में हस्ताक्षर करना, हामी भरना, मतलब अपने अपने राज्य में वोट बैंक के साथ छेड़छाड़ करना होगा। क्या इतना बड़ा रिस्क चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार उठाएंगे? क्योंकि आंध्र प्रदेश में भले ही सरकार अभी बनी है, लेकिन सामने बिहार में चुनाव है, और अगर साथ नहीं देते हैं ये दोनों, यानी नायडू जो कि मोदी नायडू और नीतीश जो कि मोदी जी के दो क्रचेस हैं, वो अगर बीजेपी सरकार का साथ इस बिल को लेकर के नहीं देते हैं, तो बीजेपी सरकार इस बिल को लेकर के सदन में अल्पमत में आ जाएगी।
यानी मोदी के लिए सदन में दोस्तों आए दिन अग्नि परीक्षा है। वैसे भी इस बार मोदी जी का हाल ऐसा है कि इन दो बैसाखियों के सहारे पर उन्हें चलना पड़ रहा है। ये मौका आगे भी आएगा और लगातार आता रहेगा जब ये 28 सांसद तय करेंगे कि कौन सा बिल सदन में पास होगा कौन सा नहीं होगा। विपक्ष जो है वो जमकर इस बिल का विरोध करता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये 28 सांसद क्या 100% नरेंद्र मोदी का साथ देंगे, इस बिल का साथ देंगे? ये बड़ा सवाल है। यानी कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए चुनौती है कि ये 28 सांसद अब तय करेंगे सरकार कैसे चलेगी, ऐसी सरकार कब तक चलेगी, क्योंकि हर बिल पे नरेंद्र मोदी को 2014 से लेकर के 2024 के चुनाव से पहले तक कोई भी बिल पास कराने के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। राज्यसभा में सोचने की जरूरत पड़ती है लेकिन लोकसभा में कभी नहीं पड़ी। लेकिन अब इन 28 सांसद और 233 विपक्षी सांसदों के सहमति से अब से बिल पास होगा, यानी कि कोई भी बिल आसानी से पास नहीं हो पाएगा। इस पूरे विषय को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या ये 28 सांसद, क्या जेडीयू, क्या टीडीपी अपना वोट बैंक तोड़ने वाले हैं, ये लोग तोड़ेंगे अपना वोट बैंक नीतीश और नायडू? आपकी राय इस पर क्या होगी, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों को हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सके और निष्पक्ष पत्रकारिता के साथ, विश्लेषण के साथ राजनीतिक खबरों को आप तक पहुंचा सके, इसके लिए हमें आपकी सहयोगिता की सबसे ज्यादा जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भरपूर प्यार आजाद मीडिया को, देशनीति को देते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।